हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम को लेकर के कंफ्यूजन अभी भी मन में बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल पे क्या लगता होगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल पे भी टैक्स लगता है और उसे भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ही अंतर्गत डालेंगे अगर हम उसका कोई लेजर्स वगैरह बनाते हैं तो। और पेट्रोल और डीजल पे वैट लगाया जाता है यानी वैल्यू एडेड टैक्स, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता इंडिया में, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, एक्साइज ड्यूटी लगा देती है कि आपके ऊपर जो है प्रति लीटर के हिसाब से 31 रुपए, 32 रुपए या इस तरह के 27 रुपए, 28 रुपए आपको एक्साइज ड्यूटी भरना है। तो वो एक्साइज ड्यूटी जो है कंपनियां जो है जनता से वसूलती हैं, यानी कि जो पेट्रोल खरीदता है उसे मिलता है 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए, 95 रुपए, इस तरह से पेट्रोल मिलता है। बाकी पेट्रोल की कीमत तो 50 रुपए, 40 रुपए यही रहती है, लेकिन जो ये टैक्सेस हैं इसके वजह से पेट्रोल का दाम काफी हद तक बढ़ जाता है और ये होता है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे होते हैं। हो सकता है कि कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो अर्थ जगत को नुकसान हुआ इंडिया में या किसी भी देश में, तो उसकी भरपाई करने के लिए, चूंकि इंडिया है डेवलप कंट्री तो है नहीं, अभी विकासशील देशों में ही गिना जाता है इसे, तो इस तरीके से जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो है उसने एक्साइज लगा दिया या एक्साइज बढ़ा करके लगा दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। तो एक कंपनी है अभी मैथ्स क्लासेस, तो अभी मैथ क्लास का इसी को ले लेते हैं हम और इसी में हम काम स्टार्ट करते हैं। तो वाउचर्स में चलते हैं। अब यहां पर आ चुके हैं हम परचेज में, ठीक है। यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 1/6/2019, ठीक है। एक बार इसका फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अल्ट के साथ साथ F2 प्रेस करता हूँ और ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। और यहाँ पर कंपनी का डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो कंपनी का डिटेल देखने के लिए हमें कंपनी पे जाना पड़ेगा और यहाँ से कंपनी को अल्टर कर लेते हैं। 2019 रहा है और यहाँ पे 2021 डाला गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। 1/4/2019 यहाँ पर भी कर देते हैं, ये हमने कर लिया, ओके। और यहाँ पर भी 2019 ही रखते हैं और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमको एंट्री पास करनी है तो यहाँ पर चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो डाल दिया, एंटर प्रेस करके यहाँ आए, यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं। 1/4/2019 भी रख सकते हैं आप, तो यहाँ पे 1/4/2019 ही कर देता हूँ मैं। यहाँ पर भी डेट चेंज कर लेते हैं, 1/4/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 कर देता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो जैसे सपोज कीजिए क्रेडिटर पार्टी का नाम है पूजा, तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया और ये सारी डिटेल्स आए तो आप फिल कर सकते हैं। और ये यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब यहाँ पर पेट्रोल के लिए हमें बनाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो एक ही पेट्रोल को लेकर के मैं सिखा देता हूँ। तो ये पेट्रोल हो गया, यहाँ पर आए, एंड ऑफ लिस्ट किया, यहाँ प्राइमरी ही रख देते हैं। अब यहाँ पे किलोग्राम और पीसेस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीटर है वो सारी चीजें हमें दिख नहीं रही है। अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि वैट एक्टिवेट है या नहीं है, ठीक है। तो वैट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको F11 की प्रेस करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएसटी एक्टिवेटेड है। यहाँ पर पेट्रोल डीजल पे तो जीएसटी लगने से रहा, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता इंडिया में। यहाँ पर आए, हालांकि कोशिशें जरूर जारी हैं कि जीएसटी लग जाएगा तो काफी हद तक सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जीएसटी 28% की होती है और वैट लगाएंगे तो 40-40, 45-45% का वैट लग जाता है, यानी टैक्सेस बहुत हैवी हो जाते हैं जिसकी वजह से तेल महंगा हो जाता है सस्ता होते हुए भी। तो ये हो गया और ये वैट है, तो वाई प्रेस कर दिया। यहाँ पर आए, यहाँ पर टिन नंबर डालेंगे। टिन नंबर आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे टैक्स रिलेटेड के डिटेल्स को अगर आप अल्टर करना चाहें तो यहाँ से अल्टर कर सकते हैं, जैसे वैट लगा 35%, ठीक है। और अगर एडिशनल टैक्स देना चाहते हैं तो 2% वो भी दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल पे एडिशनल भी लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमने एक्सेप्ट कराया, ये हो गया हमारा काम। अब यहां पर पहली एंट्री पास करते हैं, वी प्रेस करते हैं। अब यहां पर एंट्री पास करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल 2019 के डेट में। और यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा और ये सारी चीजें आप फिल कर सकते हैं डिटेल में, मैंने फिलहाल इनको ब्लैंक छोड़ दिया है। अब इनका नेचर क्या है, डीलर, तो यहां पर फर्स्ट स्टेज डीलर मैं कर लेता हूं
और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, और उनकी पूरी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ता हूँ, आप फिल करिएगा। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप पेट्रोल के लिए, तो यहाँ पे मैं पेट्रोल पे ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ पेट्रोल, ठीक है। एंटर प्रेस किया, इसको प्राइमरी ही रखते हैं। और यहाँ पे लीटर बनाना पड़ेगा हमको, तो एल टी आर सिम्बॉल होता है लीटर का, और यहाँ पे कर देता हूँ लीटर, एल आई टी आर ई लीटर, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ ताकि पॉइंट्स में भी ये वैल्यूज ले सके, ठीक है। और यहाँ पे एक्साइज वैट की डिटेल को अल्टर करना चाहते हैं इसमें, तो आप अल्टर कर सकते हैं। फिलहाल मैं वही रखने वाला हूँ जो पहले था, ठीक है। अब मान लीजिए कि 100 लीटर पेट्रोल बिका, ठीक है, और 1 लीटर की कीमत क्या रखी गई है, 1 लीटर की जो कीमत है वो है मान लीजिए कि 50 रुपए है, ठीक है। तो 50 रुपए के हिसाब से 100 लीटर का 5000 हुआ। लेकिन अब यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल आएगी, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, ठीक है। इनवॉइस की डेट आएगी, वो डेट जिस डेट पर हो रही है ये सारी परचेजिंग, तो यहाँ पे कर देता हूँ 2021, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, कितना ड्यूटी लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, अभी इसको एंटर प्रेस करके यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें वो लेजर्स बनाने हैं टैक्सेस के, तो यहाँ पे लिखता हूँ वैट एट द रेट 40%, तो यहाँ पे 40% का टैक्स जो है अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आए ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वैट आ रहा है, तो ये वैट हमें चूज कर लेना है, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, ये यहाँ पे आइए, ये नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे 3 कर देता हूं ताकि पॉइंट्स में भी ये वैल्यूज ले सके। तो यहाँ पे देखिए 1749 रुपए टैक्सेस के लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहां पर हमें एडिशनल टैक्सेस भी लगाने हैं, ठीक है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, ए डबल डी टैक्स यहां लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे आता हूं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहां पे देखिए ऊपर आ रहा है एडिशनल टैक्स, तो यहां पे एडिशनल टैक्स कर दीजिए, और यहां नीचे आइए नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, 3 कर दीजिए। इसके अलावा आप एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि 99 रुपया और टैक्स लग गया है, ठीक है। तो यही गवर्नमेंट जो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है वो यहीं से कर रही है, बाकी पेट्रोल डीजल आपका सस्ता है, लेकिन टैक्सेस के वजह से ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। कुछ राज्य सरकारें लगाती है वैट, जैसे राज्य सरकार लगाती है, ठीक है, एक्साइज जो है केंद्र सरकार, तो ये इसीलिए जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो गया है। और इसको आप एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब प्रिंट करेंगे तो यहां से आपको दोबारा डी प्रेस करना होगा, और यहां पे आइए और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, और यहां से एंटर प्रेस कीजिए। और एक बार इसका प्रीव्यू मैं दिखा देता हूं आपको कैसा ये दिखेगा। तो ये देखिए, ये प्रीव्यू है, ठीक है, और ऐसा एक बिल आपको मिल जाएगा, और इसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कितना कितना क्या क्या लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसको लेकर के आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा, बहुत बेसिक सी जानकारी थी, अभी इस पे पूरा डिटेल में एक्साइज की चर्चा हमने नहीं की है, तो आगे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।